नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं लेके आया हूँ आपको यहाँ पे जो अजय देवगन की मूवी का सॉन्ग सनू एक्पल चैन्ना है, यहाँ फिर जो शूट हुआ है उसका सीन दिखाने के लिए आपको आया हूँ। तो जैसे कि आपको बता दें कि वो मूवी रेड मूवी है और उसमें जो हीरो है वो अजय देवगन है साहब सर जी, और हीरोइन है जो इलियाना डुक्रीजा है। तो ये सीन यहाँ पर का लिया गया था, सामने आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फुल उसमें भी आता है सॉन्ग में। तो जैसा कि आपको बता दें कि हम अब बैक कैमरे से आपको ये सीन को सही से सेट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, तो आपको बता दें कि यहाँ पर सीन लिया गया था पहला सीन, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये घेरा बना हुआ है, ये गोमती नदी है जो पीछे दिखाई दे रही है, और पहला सीन के पास आपको ले चल रहे हैं पहले एंगल के पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला एंगल है जो जिस इस साइड में यहाँ पर ये अजय देवगन सर खड़े होते हैं और यहाँ पे इलियाना जी खड़ी होती हैं। तो ये पहला सीन यहाँ पे शूट किया गया है, आप थिम्बल में देख रहे होंगे बिल्कुल सेम यहीं पे जगह है। तो दोस्तों, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये गोमती नदी है, तो ये पहला सीन है। और अब हम आपको दूसरा सीन दिखाते हैं। दोस्तों देख रहे होंगे जैसा कि आप सानू एक्पल चैन्ना है सॉन्ग का ये यहाँ पर दूसरा सीन आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये यहाँ पर दूसरा सीन है जो कि अजय देवगन सर यहाँ पे खड़े होते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको ये थिम्बल आप देख लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल ये राइट एंगल है। तो ये गोमती पीछे आप देख रहे हैं जो गोमती नदी का पुल है, और जो इस पानी में नाव खड़ी होती है वो प्रेजेंट टाइम इस टाइम नहीं है, बाकी वो साइड में खड़ी हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए आप साइड में वो नाव वहाँ पर खड़ी हुई हैं, जैसा कि बता दें आपको। तो दोस्तों, हम आपको अब तीसरे एंगल की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए कि अभी दिखाते हैं आपको जी। तो ये यहाँ पर का तीसरा एंगल लिया गया है कुछ इस प्रकार है, जो यहाँ पर अजय देवगन जी खड़े होते हैं। तो ये देख लीजिए आप सिंबल में बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम यहीं पर का सीन है। प्रेजेंट टाइम जो पीछे नाव वाव खड़ी थी वो नाव नहीं है, वो साइड में खड़ी हैं। और अभी आपको ले चलते हैं चौथे सीन की ओर। तो दोस्तों ये देख लो पहले, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे चौथा सीन शूट किया गया है, ये एंगल यहाँ पर का है, ये सेम एंगल जो आपको सामने वाला ये दिख रहा है खंबा छोटा सा रेलिंग का। तो यहाँ पर सीन चौथा सीन जो है यहाँ पे शूट किया गया है, तो आप थिम्बल में देख रहे होंगे बिल्कुल ये राइट एंगल है, बिल्कुल ये बस ये सेम एंगल है, यहाँ पे थिम्बल लगा देख रहे हैं आप, इसमें थिम्बल में बिल्कुल ही सेम मिल रहा है, बिल्कुल सही एंगल है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि हमने आपको चारों सीन दिखा दिए हैं, और अब हम आपको यहाँ के बगल का जो साइड का नज़ारा है वो दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो भाई साहब इतनी ठंडी हवा आ रही है कि एकदम एक नंबर मज़ा आ रहा है फुल। तो हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे बगल में धोबी घाट है, तो धोबी घाट में आपको दिखाने के लिए ये ले चल रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। तो पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पे बगल का पूरा सीन, और यहीं पे बगल में घंटाघर है तो वहाँ पर भी एक सीन लिया गया है, बाकी आपको दिखाते हैं चल के। जब तक यहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एकदम मस्त बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। देख लीजिए आप इधर जो गोमती नदी है, क्लियर मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों यहाँ पर का। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे घास हरी हरी, जो पानी में तैरने वाली घास होती है वही घास यहाँ पे उगी हुई है। और ये सामने आप पुल देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत पुल है, और ये हमारी गोमती नदी है। तो आपको पूरा सीन दिखा देते हैं, देख लीजिए आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है सीन यहाँ पर। ये सामने पूरा सीन ले रहे हैं हम, अब हम आपको चलते हैं वो देख लो, सामने आपको धोबी घाट दिखाई दे रहा है, वहाँ चलते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं धोबी घाट, ये रास्ता है देख लो कितनी खूबसूरत, और वो सामने धोबी घाट है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए टांगे गए हैं, जो कि गोमती नदी के पानी से धोए जाते हैं। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं पाँचवें सीन की ओर, जो घंटाघर का सीन है, अब वहाँ चल रहे हैं घंटाघर का सीन जो है दिखाने के लिए आपको पाँचवा सीन। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे ये घंटाघर है नवाबों का शहर लखनऊ का, और हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं पांचवा सीन।
तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं यार इधर से, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये पांचवा एंगल लिया गया है और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये घंटेघर का सीन है। तो आप छोटा सा पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे और सीन को शूट किया गया कुछ इस प्रकार। देख लो ये थिम्बल लगा है इसमें, मैच करके देख लीजिए आप। बिल्कुल यही एंगल है, बिल्कुल राइट एंगल। तो अब हम आपको ये थोड़ा घंटाघर का इधर उधर का सीन दिखा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। सुबह के बज रहे हैं 10, इसमें करेक्ट टाइम है, इसमें बज रहा है 9 बज के। तो घंटाघर में जो घड़ी देख रहे हैं उसमें बज रहा है 9 बज के 20 मिनट हो रहा है शायद। वो जो आपको टाइम बताया 10 बजे वो गलत टाइम है, इसमें राइट टाइम है, बिल्कुल सही घड़ी चलती है। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर पूरा नज़ारा यहाँ पर का। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको यहाँ पर का जो खूबसूरत नज़ारा है वो बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, पूरा देख लो। यहाँ पानी भरा हुआ है इसके अंदर, जो घंटा घर के अंदर चारों तरफ से जीना बने हुए हैं उसके बीच में पानी है, शायद इसमें मछली वछली भी पाली जाती हैं। ये देख लो कितना प्यारा बना हुआ है भाई, ये सब सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ से। ये किधर कुछ बना हुआ है बैठने बैठने के लिए, पुरानी बिल्डिंग है। ये देखो वहाँ पे रूमी दरवाजा का थोड़ा कुछ सीन दिख रहा है, उसके बाद ये पूरा घंटा गया है। अब हम इसके पास चल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ का तो आप सीन देख ही चुके हैं सारा, अब हम यहाँ पर आगे जाते हैं इसके पास, फिर दिखाते हैं इसकी कितनी ऊंचाई है और यहाँ पे कितना बढ़िया नज़ारा है। दोस्तों जैसा कि हम जा रहे हैं वहाँ पर सामने उसके घंटाघर का जो टावर लगा हुआ है उसके नीचे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्क भी बना हुआ है इस साइड, जो इसके राइट साइड है वो पार्क बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और आगे यहाँ पे कुछ झूले वूले भी बने हुए हैं, दिखाते हैं आपको। तो हम इसके नीचे पहुँच चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए पूरा बहुत ही ऊंचा बना हुआ है और इसमें घड़ी लगी हुई है और ये शायद कुछ लिखा हुआ है 1881, लगता है ये 1881 में बनाया गया है। देख लो पूरा, ये ऊपर घड़ी भी है। इस टाइम अभी टाइम हो रहा है शायद 9:25 हो रहा है, बिल्कुल राइट चलती है ये, पूरा देख लो अच्छे से। ये हमारा नवाबों का शहर लखनऊ का है बना हुआ। तो ये घंटाघर है, ये पूरे लखनऊ का टाइम यहीं से देख सकते हो आप, चाहे जहाँ से देखो। तो घंटाघर के दूसरे साइड चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ झूले वूले लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं चल के, ये सामने देख रहे होंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर झूले वूले बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा बैठने का नज़ारा है। यहाँ पर भी आप बैठ के झूल सकते हैं, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है कुछ नहीं है, पार्क बना हुआ है, सब जो जिस झूले पर झूलना चाहते हैं बैठ सकते हैं आराम से। और ये घंटेघर का सीन है, पार्क बहुत ही बड़ा बना हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। ये यहाँ से दिख रही है घड़ी, घड़ी दिखाते हैं आपको झूम करके, साफ नहीं आ रही, कैमरा थोड़ा वैसा है, झूम नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और अब हम अगले सीन आपको मिलेंगे रजनीकांत की, जो यहाँ पे लखनऊ में शूटिंग हुई है उसका। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।